बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 में मौजूद सेक्शन 191 से लेकर सेक्शन 193 को समझेंगे। सेक्शन 191 जो कि गिविंग फॉल्स एविडेंस से मुतलिक है, यानी कि झूठी शहादत देने से मुतलिक है, जबकि सेक्शन 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस से मुतलिक है, यानी कि झूठी शहादत घड़ने से मुतलिक है, जबकि सेक्शन 193 पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस से मुतलिक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप व्यूअर्स को बताता चलूं कि अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड से मुतलिक मेरी दूसरी वीडियोज देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर मौजूद पाकिस्तान पिनल कोड के नाम से प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एविडेंस से क्या मुराद है। एविडेंस जिसकी तारीफ कानून शहादत 1984 के आर्टिकल 2C में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि एविडेंस से मुराद दो तरह के एविडेंस है, ओरल एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि जुबानी शहादत या फिर दस्तावेजी शहादत। मतलब कोई भी मीन्स, कोई भी तरीका जिसके जरिए हम क्या साबित कर रहे हैं, हम साबित कर रहे हैं फैक्ट इन इशू को या फिर रेलिवेंट फैक्ट को, जैसा कि आर्टिकल 18 ऑफ कानून शहादत 1984 में बयान किया गया है, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी कि एविडेंस हमेशा फैक्ट्स इन इशू की दी जा सकती है या फिर रेलिवेंट फैक्ट्स की दी जा सकती है। इस चैप्टर को समझने से पहले जरूरी है कि हम सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी को समझ लें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है कि जब भी किसी कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान कोई ऐसा ऑफेंस किया जाए जो कि पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 193 से लेकर सेक्शन 196 के तहत आता हो, या सेक्शन 199 के तहत आता हो, या सेक्शन 200 के तहत आता हो, या सेक्शन 205 से लेकर 211 तक आता हो, या फिर इन जुराइम से मुतालिक किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाए, या फिर इन जुराइम से मुतालिक किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान अबेटमेंट की जाए, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है इन जुराइम से मुतालिक कॉग्निजेंस नहीं लेगी। कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेगी? कोर्ट कॉग्निजेंस उसी वक्त लेगी जब कोर्ट इन राइटिंग कंप्लेंट करे, या फिर कोर्ट में ऐसा ऑफिसर जिसको कोर्ट ने इस बाबत ऑथोराइज किया हो इन राइटिंग, और ऐसा ऑफिसर इन राइटिंग ऑथोराइज होने के बाद ऐसी कंप्लेंट इन राइटिंग करे, तो ऐसी सूरत में कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, अदरवाइज कोर्ट इन जुराइम से मुतलिक कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं, सेक्शन 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस। सेक्शन 191 सेज हूएवर बीइंग लीगली बाउंड बाय एन ओथ और बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट ट्रुथ और बीइंग बाउंड बाय लॉ टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is said to give false evidence। इसका उर्दू में तर्जमा कुछ इस तरह बनेगा कि जो कोई किसी हलफ या कानून के वाज़ह हुक्म से सच बयान करने का कानूनन पाबंद होते हुए या किसी मौजू पर बयान देने का पाबंद होते हुए कोई ऐसा बयान दे दे जो झूठा हो, या जिसे वो जानता हो या उसको यकीन हो कि वो झूठा है, या फिर वो जानता हो कि वो सच्चा नहीं है, तो इसके ऐसे बयान को इसकी झूठी शहादत देना कहा जाएगा। अगर देखा जाए तो इस सेक्शन के तीन एसेंशियल्स बनते हैं। नंबर 1, लीगल ऑब्लिगेशन टू स्टेट द ट्रुथ, यानी कि ऐसा शख्स कानूनन पाबंद हो सच बयान करने का। दूसरे नंबर पे द मेकिंग ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन, ऐसे शख्स ने
झूठा बयान दिया हो या झूठी स्टेटमेंट दी हो। तीसरे नंबर पे बिलीफ इन इट्स फॉल्सिटी, यानी कि वो जानता हो कि जो वो बयान कर रहा है वो झूठा है, या वो झूठ पर मुबनी है, या वो सच्चा नहीं है। यानी कि सेक्शन 191 में फॉल्स एविडेंस से मुतलिक बयान किया गया है। फॉल्स एविडेंस जिसको इंग्लिश लॉ में परजुरी कहते हैं, तो इंग्लिश लॉ में मौजूद परजुरी की तारीफ हम इस सेक्शन के तहत इस तरह कर सकते हैं कि जब भी कोई शख्स कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जब वो जानता हो कि वो जो बयान देने का पाबंद है वो झूठ पर मुबनी है या वो सच्चा नहीं है, और वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने ऐसा बयान दे जो कि झूठ पर मुबनी हो या जिसको वो जानता हो कि वो सच्चा नहीं है, तो ऐसी सूरत में ऐसा शख्स गिल्टी होगा परजुरी का। लिहाजा अगर परजुरी से मुतलिक सवाल आए तो आपने सेक्शन 191 का हवाला देना है, क्योंकि सेक्शन 191 को परजुरी ही कहते हैं। इस सेक्शन की वजाहत नंबर 1 में बयान किया गया है, कोई बयान खा वो जुबानी दिया जाए या किसी और तरह से दिया जाए, इस सेक्शन के मायने में दाखिल होगा। इसी तरह इसके वजाहत नंबर 2 में बयान किया गया है कि एक झूठा बयान इसके तस्दीक कुंदा शख्स के बारे में इस सेक्शन के मायने में दाखिल होगा, और कोई शख्स ये बयान करते हुए कि वो किसी चीज पर यकीन रखता है जिस पर वो यकीन नहीं रखता हो, इसी तरह ये बयान करते हुए कि वो कोई चीज जानता है जबकि वो शख्स वो चीज ना जानता हो, तो इसको झूठी शहादत देने का मुजरिम ठहराया जाएगा। अब हम इस सेक्शन में मौजूद इलस्ट्रेशन 1 को पढ़ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन 1 में बयान किया गया है कि बी ने जेड के खिलाफ 1,000 रुपये का क्लेम किया, और ए जो कि जानता था कि बी ने जेड के खिलाफ झूठा क्लेम किया है, इसके बावजूद ए झूठी शहादत देता है कि उसने सुना था कि जेड ने ये बात तस्लीम की है कि उसने बी से 1,000 रुपये लिए, तो ऐसी सूरत में ए ने झूठी शहादत दी। इसकी इलस्ट्रेशन बी में बताया गया है कि ए जिस पर हलफ की रूह से सच सच बयान करना वाजिब है, लेकिन इसके बावजूद ए बयान देता है कि वो खास दस्तखत जेड के हैं, जबकि वो जानता है, उसको बिलीव है कि ये दस्तखत ये हैंडराइटिंग जेड की नहीं है। ऐसी सूरत में ए ने जो बयान दिया है इसको वो झूठा जानता था, लिहाजा इसने झूठी शहादत दी है। इसके इलस्ट्रेशन सी में बयान किया गया है कि ए जो कि जेड की जनरल हैंडराइटिंग को जानता है, वो बयान देता है कि फलां जो दस्तखत हैं वो जेड की हैं। ए ने ऐसा बयान गुड फेथ में दिया और अपने यकीन के मुताबिक दुरुस्त दिया, जबकि वो जो दस्तखत थे वो जेड के नहीं थे। ऐसी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता कि ए ने झूठी शहादत दी, लिहाजा उसको इस सेक्शन के तहत सजा दी जाए। ए इस सेक्शन के तहत जुर्म का मुर्तकिब नहीं होगा। इस सेक्शन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ओथ यानी कि हलफ, इसका कानूनी और जायज होना जरूरी है। कोई शख्स हलफ के तहत कानूनी तौर पर पाबंद तब होगा जब इसे जायज और कानूनी हलफ इस शख्स ने दिया हो जो कानून के तहत इसे देने का मजाज था, या जिस शख्स को हलफ दिया गया वो भी ऐसे शख्स होना चाहिए जो कानूनी तौर पर अहल हो कि इसे हलफ दिया जा सके, वो हलफ जेर बहस बयान लेने से लाजमी तौर पर कबल दिया गया हो, यानी जो बयान उस शख्स ने दिया हो उससे पहले वो हलफ दिया गया हो, वो हलफ देने वाला भी कानूनी तौर पर इख्तियार रखता था, और जिसको हलफ दिया गया वो भी कानूनी तौर पर ऐसा हलफ उठाने का पाबंद हो। अगर देने वाला पाबंद ना हो या लेने वाला जो है वो पाबंद ना हो, यहाँ पे हलफ बयान देने से पहले ना दिया गया हो, तो ऐसी सूरत में अगर झूठी शहादत होगी, झूठी स्टेटमेंट होगी,
तो इस सेक्शन के तहत वो जुर्म नहीं कहलाएगी। इसके बाद है सेक्शन 192। सेक्शन 192 सेज हूएवर causes any circumstances to exist or makes any false entry in any book or record or makes any document containing a false statement intending that such circumstance, false entry or false statement may appear in evidence in a judicial proceeding or in a proceeding taken by law before a public servant as such or before an arbitrator and that such circumstances, false entry or false statement so appearing in evidence may cause any person who in such proceeding is to form an opinion upon the evidence to entertain an erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding is said to fabricate false evidence। सेक्शन 192 का उर्दू में तर्जमा कुछ इस तरह बनेगा, झूठी शहादत घरना। इसमें बताया गया है जो कोई किसी वाकया को वजूद में लाने का मौजिब हो या किसी किताब या रिकॉर्ड में कोई झूठा अंदराज करे या ऐसी दस्तावेज तैयार करे जिसमें झूठे अंदराजात हों, इस नियत से कि वो झूठा वाकया, झूठा अंदराज या झूठा बयान अदालत की किसी कार्रवाई या ऐसी कार्रवाई में जो किसी कानून की रूह से किसी सरकारी मुलाजिम के रूबरू बतौर ऐसे मुलाजिम होने के या किसी सालिस के रूबरू शहादत में पेश हो और नीज ऐसा वाकया, झूठा अंदराज या झूठा बयान जो शहादत में इस तरह पेश किया जाए, इस शख्स की जिसने ऐसी कार्रवाई में शहादत पर राय कायम करनी है, ऐसे अमर पर जो ऐसी कार्रवाई के नतीजा बरामद करने में अहमियत रखता हो, राय में मुगालता पैदा कर दे, यानी कि वो जो उस पे राय दे उसमें ऐसे झूठ की वजह से मुगालता पैदा हो जाए, तो कहा जाएगा कि इस शख्स ने झूठी शहादत घड़ी। इस सेक्शन के जो एसेंशियल्स हैं उनमें नंबर वन पे ये है कि कोई शख्स किसी वाक्या को वजूद में लाए, नहीं कोई ऐसा वाक्या जो कि वजूद में ना हो लेकिन उसको वजूद में ले आए, या फिर किसी किताब या किसी रिकॉर्ड में गलत अंदराज करे या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में गलत अंदराज करे या फिर किसी गलत बयान पर मुबनी कोई दस्तावेज बनाए, तो ऐसी सूरत में दूसरे नंबर पे जो एसेंशियल होगा वो ये होगा कि इसकी नीयत ये हो कि वो गलत अंदराज या गलत बयान या गलत वाक्य से वो कोई शहादत बनाए जो कि किसी अदालती कार्रवाई में या किसी सरकारी मुलाजिम या सालिस के रूबरू कार्रवाई में पेश की जा सके। किसके रूबरू पेश की जा सके? किसी अदालती कार्रवाई में, किसी सरकारी मुलाजिम या सालिस के रूबरू कार्रवाई में पेश की जा सके। तीसरे नंबर पे जो इसका इंग्रेडिएंट है वो ये है कि ऐसा वाकया, ऐसा गलत इंदराज या ऐसे गलत बयान जो इस तौर पर शहादत में आए, इस शख्स को जिसने कार्रवाई में शहादत पर अपनी राय कायम करनी हो उसको राय कायम करने में मुगालता हो जाए और ऐसी राय किसी ऐसे नुक्ता की बाबत हो जो ऐसी कार्रवाई के नतीजे के लिए अहमियत का हामिल हो, तो ऐसी सूरत में यही कहा जाएगा कि ऐसे शख्स ने झूठी शहादत घड़ी है। इस सेक्शन को हम इस सेक्शन में मौजूद इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। इसके इलस्ट्रेशन ए में बयान किया गया है कि ए जेड के संदूक में इस नियत से जेवर रखता है कि वो जेवर संदूक से बरामद हो और इस वाक्य से जेड को थेफ्ट की सजा मिले, तो ऐसी सूरत में ए ने झूठी शहादत घड़ी। इसी तरह
इसकी इलस्ट्रेशन बी में बयान किया गया है कि ए अपनी दुकान की शॉप बुक में झूठे अंदराज इस गर्ज से करता है कि वो इनको किसी अदालती इंसाफ में बतौर तायदी शहादत पेश करे, तो ऐसी सूरत में ए ने झूठी शहादत घड़ी। इसकी इलस्ट्रेशन सी में बयान किया गया है कि ए इस नियत से कि जेड को मुजरमाना साजिश यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत सजा दिलवा सके, जेड की तहरीर से मिलता जुलता एक खत लिखता है और साजिश के एक शरीक को यानी कि अकॉम्प्लिस को अरसाल करना जाहिर करता है और खत को ऐसी जगह रख देता है जिस जगह की इसके इल्म के मुताबिक पुलिस ऑफिसर तलाशी लेने वाले हैं, तो ऐसी सूरत में ए ने झूठी शहादत घड़ी यानी कि ए को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। एक बात आपको बताता चलूं कि ऐसे फैब्रिकेटेड एविडेंस का, ऐसी स्टेटमेंट का, ऐसी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट का अदालत में शहादत के मौके पर काबिले कबूल होना ज़रूरी है। अगर शहादत इसको काबिले कबूल ही करार ना दे तो ऐसी सूरत में मुजरिम को इस सेक्शन के तहत सजा नहीं दी जा सकेगी क्योंकि अदालत में ये काबिले कबूल ही नहीं, लिहाजा अदालत ने इस पर अपनी कोई राय कायम नहीं की और ना ही कोई फैसला दिया। ऐसी सूरत में ही मुजरिम को सजा दी जा सकेगी जब फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट झूठी गवाही पेश की जाए और दस्तावेज किसी खास नुक्ता से मुतलिक गलत राय कायम करने में रहनुमाई करे। जब ऐसी दस्तावेज गलत राय कायम करने में रहनुमाई ना करे, इसे गलत राय कायम ना हो, तो ऐसी सूरत में भी ऐसे शख्स को सजा नहीं दी जाएगी। इसके बाद है सेक्शन 193, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस यानी कि झूठी शहादत देने पर सजा। सेक्शन 193 में सेक्शन 191 और सेक्शन 192 के तहत सरसर्द करदा जुराइम की सजा बयान की गई है यानी कि झूठी शहादत देना या झूठी शहादत घड़ने से मुतलिक सजा जो बयान की गई है वो सेक्शन 193 में बयान की गई है। इसमें बताया गया है कि जो कोई अदालती कार्रवाई के किसी मरहला में इरादतन झूठी गवाही दे या इस गर्ज से झूठी गवाही घड़े कि वो अदालती कार्रवाई के किसी मरहला में काम लाई जाए, तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है जो कि सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है। इसके अलावा उसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसी सेक्शन में आगे बयान किया गया है कि जो कोई जानते बूझते कसदन किसी और केस में झूठी गवाही दे या झूठी शहादत घड़े तो इसको जो सजा दी जाएगी वो 3 साल तक हो सकती है, सादा भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है और उसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। यानी कि इसी सेक्शन के पहले मरले में उन्होंने बताया है कि अगर ऐसी शहादत किसी कोर्ट में दी जाए तो वो 7 साल तक कैद की सजा होती है और जुर्माना भी आयद होगा, और अगर कोर्ट के अलावा किसी और के सामने किसी सरकारी ऑफिसर के सामने कोई झूठी शहादत दी जाती है तो ऐसी सूरत में सजा की म्याद कम करके 3 साल रखी गई है कि 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और 7 जुर्माना भी होगा। इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन 1 में बयान किया गया है कि कोर्ट मार्शल के रूबरू जो ट्रायल होता है वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग ही कहलाएगा। इसी तरह इसकी एक्सप्लेनेशन 2 में बयान किया गया है कि अदालती इंसाफ के रूबरू कार्रवाई से पहले जो तफ्तीश होती है जो कि अदालती इंसाफ के रूबरू नहीं होती लेकिन ऐसी जो तफ्तीश है जिसकी कानून की रूह से हिदायत की गई हो अदालती कार्रवाई का ही मरला होगी और उसको अदालती कार्रवाई ही समझा जाएगा। इसी तरह इसकी एक्सप्लेनेशन 3 में बयान किया गया है कि कोई तफ्तीश जिसकी कानून के मुताबिक किसी अदालती इंसाफ ने करने की हिदायत की हो और जो किसी अदालती इंसाफ के हुक्म के मुताबिक की जाए अदालती कार्रवाई का एक मरहला है
گو وہ تفتیش کسی عدالت انصاف کے سامنے نہ کی جائے، یعنی کہ عدالت انصاف سے پہلے کی گئی تفتیش یا عدالت انصاف کے حکم کے مطابق کی گئی تفتیش جو کہ عدالت انصاف کے سامنے نہ کی گئی ہو، اس کو بھی عدالتی کاروائی ہی سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر عدالت کسی شخص کو اختیار دیتی ہے کہ وہ عدالت کی حدود کے اندر موجود اراضی پر جا کر کچھ دریافت کرے، اور وہ شخص وہاں پر وہ دریافت کرنے کے بعد حلف پر جھوٹا بیان دیتا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ یہ جو تحقیق ہے، یہ جو دریافت اس شخص نے کیا ہے موقع پر جا کر، وہ عدالت کے سامنے اس نے نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ عدالتی کاروائی کا ہی حصہ سمجھا جائے گا، وہ اس تحقیق پر اس کا جو جھوٹا بیان ہوگا اس کو جھوٹی گواہی ہی سمجھا جائے گا۔ ویوز، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔